बज रही है मेरी माँ। सलमान से बात नहीं, सलमान बस सो रहा है। सलमान जी ने रात को डॉक्टर को रात तक फोन किया सलमान जी ने कि राखी, क्योंकि मेरी माँ का केस जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट था, यू नो, कैंसर का। रात तक डॉक्टर ने बोला कि रात को भी सलमान जी का फोन आया था, दो तीन दिन से फोन जा रहा है इमिडिएटली, क्योंकि जब आपको कीमोथेरेपी करते ना तो इमिडिएटली 10 दिन के अंदर ऑपरेशन होना चाहिए, वरना वो जो कैंसर के वो जो रहते ना वो वापस शरीर में आ जाते हैं। तो इसलिए फटाफट ऑपरेशन किया मम्मी का। मेरी माँ बच गई, मेरी माँ बच गई सलमान जी, मेरी माँ बच गई सलमान जी, मेरी माँ बच गई। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैं भी भाग के वहाँ से हॉस्पिटल आई, क्योंकि कोरोना फ्री हॉस्पिटल है वो, वहाँ पे डॉक्टर जब तक सर्टिफिकेट नहीं होता आपका कोरोना टेस्ट का, अंदर किसी को आने नहीं देते, बिकॉज बहुत बड़ी कैंसर की सर्जरी है ना, तो मेरे किसी खानदान को नहीं आने दिया सिवा मेरे। डिस्चार्ज हो गए मम्मी? नहीं नहीं नहीं, अभी तो होश में आई, अभी ऑपरेशन थिएटर से मम्मी को रूम में लेकर गए, अभी मम्मी बेहोश है और नर्स और डॉक्टरों के बीच में है तो वो बात नहीं कर सकते। अभी आज पूरा दिन क्या बोलते ऑब्जर्वेशन होता है उसमें रखते हैं, तो मुझे डॉक्टर ने बोला अभी आप घर पे जाओ, ज़्यादा इधर बैठ नहीं सकते, आप कल आओ करके। मेरा बेटी का तो मुझे नहीं पता है, बट मैं इतना कहूँगी, हे ईश्वर, मेरे इंडिया में हर घर घर में सलमान खान और सोहिल भाई, सोहिल खान जैसे बेटे हो, और मैं धन्य कहती हूँ उनके माँ बाप को जो ऐसे बेटे पैदा किए।